ये रचना इसमें अपने भारतीय वैवाहिक जो रीति रिवाज हैं उसमें पौराणिक काल में सतयुग में फेरों के समय में आप लोगों ने सुना होगा कि शंकर भगवान पार्वती जी के विवाह में जब सब काम संपन्न हो गया, ब्रह्मा जी आचार्य के रूप में बैठे हुए थे, तो उन्होंने ये कहा कि जब तक कन्या बायंग नहीं आ जाती है तब तक हमारी ही मानी जाती है। तो हिमाचल राजा ने कहा कि बेटा मैंने सब काम कर दिया है तो बायंग क्यों नहीं चली जाती हो। तो पार्वती जी ने ये कहा था कि मुझे 7 वचन लेने हैं, जब तक 7 वचन नहीं मिलेंगे मैं बायंग नहीं आऊँगी। आज भी वही प्रथा चली आ रही है। मैंने उन 7 वचनों को जो सभी पांडित्य कर्म कराने वाले पंडित लोग विद्वान जन फेरों के समय में वो 7 वचन सतपति के रूप में सुनाते हैं उनको मैंने छंदबद्ध किया है कविता के रूप में, वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। और मंडप ला जाओ में और फेरे लिए फिराई बाएं अंग आए बिना कुमारी एक वचन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला वचन है, अरे पूजा तीरत यज्ञ करो तबे नाथ साथ में लेना जी, पूजा तीरत यज्ञ करो तबे नाथ साथ में लेना जी, बाएं अंग तभी मैं आऊं प्रथम वचन है देना जी। दूसरा वचन, जब भी तर्पण हवन करो तो दाएं अंग बिठाना जी, जब भी तर्पण हवन करो तो दाएं अंग बिठाना जी, अरे दूजा वचन मुझे ये दे दो तब बाएं में लाना जी। तीसरे वचन में कन्या ने कहा कि गृहस्थी का भार आपके ऊपर आ गया है, आज गृहस्थ में आने से दायित्व कुटुंब का मान पड़ा, आज गृहस्थ में आने से दायित्व कुटुंब का मान पड़ा, परिवार का पोषण और सुरक्षा तीजा वचन ये बहुत बड़ा। चौथे वचन में कन्या कह रही है, और करो कमाई और खर्च जो मुझको भी बतलाना जी, मुझे पूछ कर खर्च करो यह चौथा वचन निभाना जी, मुझे पूछ कर खर्च करो यह चौथा वचन निभाना जी। पांचवें वचन में कन्या वर से जो मांग रही है, देवालय और जल मंदिर का श्रद्धा अनुसार निर्माण करो, देवालय और जल मंदिर का श्रद्धानुसार निर्माण करो, अरे पांचवा वचन यही है मेरा दया धर्म का त्राण करो, पांचवा वचन यही है मेरा दया धर्म का त्राण करो। छठे वचन में कन्या कह रही है, छठा वचन सुनो ए स्वामी, अन्यत्र कहीं जब जाओगे जाना कहाँ और कब तक आना ये मुझको बतलाओगे, जाना कहाँ और कब तक आना ये मुझको बतलाओगे। अंतिम और सातवां वचन जो हर नारी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, वचन सातवां बड़ा कठिन निज चरित्र पे आंचन लाओगे, माता बहन पुत्री पर नारी मुझे पत्नी रूप में पाओगे, माता बहन पुत्री पर नारी मुझे पत्नी रूप में पाओगे। ये सातों वचन होने के पश्चात ऐसी भी कथा है कि शंकर भगवान को नांदिया जी ने संकेत दिया था तो शंकर भगवान ने एक ही वचन मांगा था, वो भी मैंने छंदबद्ध किया है। कन्या से वर एक वचन में क्या मांग रहा है, और मेरी मर्जी होगी तुम्हारी, मेरी मर्जी होगी तुम्हारी हर दम आज्ञा मानोगी, पतिव्रता धर्म पालन करके गृहस्थी का भार संभालोगी, पतिव्रता
अपना धर्म पालन करके गृहस्थी का भार संभालोगी। बोली रामचंद्र भगवान की जय, बोली शंकर भगवान की जय। Thank you.